आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। शिवपुरी शहर के गरीब बस्तियों में जाकर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार के सहयोग से समस्त प्राइवेट एसोसिएशन ने मिलकर खाने की सामग्री बांटी। सामग्री में आटा, चावल, तेल, मसाले थे। सबसे पहले शिवपुरी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जरूरतमंद को खाने की सामग्री बांटकर शुरुआत की। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गरीब बस्तियों में जाकर खाने की सामग्री बांटी। विपत्ति की घड़ी में शिवपुरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हमारी एक डेलीगेशन है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा और धीरज शर्मा जी ने मुलाकात की मैडम से, और मैडम को इच्छा जताई कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी इस विपत्ति की घड़ी में समाज के आगे आके वंचित लोगों की या गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। तो मैडम के निर्देशानुसार कच्चा मटेरियल उन्होंने एक लिस्ट बना के हमें दी कि कच्चा मटेरियल अगर आप प्रोवाइड कराएं एक फैमिली को 15 दिन के लिए, तो इससे वो अपने अपने घरों में रहेंगे और कम से कम ये महामारी को हम फैलने से रोक पाएंगे। तो तुरंत ही मैसेज सर्कुलेट किया गया ग्रुप के ऊपर और सभी लोगों ने करीबन करीबन 26 डायरेक्टर्स की लिस्ट है मेरे पास, 26 स्कूल डायरेक्टर्स ने जो है नेट बैंकिंग से तुरंत पैसा ट्रांसफ़र किया, और जिससे हमने करीबन करीबन 110 पैकेट अभी तैयार करवाए हैं प्रथम कड़ी में, जिसमें कि आटा है 10 किलो, चावल है 2 किलो, दाल 1 किलो, तेल आधा किलो, नमक, मिर्ची और हल्दी के पैकेट, जिससे कि एक परिवार को ये सफिशिएंट मटेरियल पहुंच जाएगा 15 दिन के लिए और वो अपने घर से बाहर नहीं आएंगे, जिससे कि हमें इस महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। तो इसमें अभी प्रेजेंटली आप देख रहे हैं हमारे साथ सारे स्कूल के सम्मानित डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, मेरे दाहिनी ओर श्री संदीप वर्मा जी डीके हरिदेव से, और श्री विनोद शर्मा जी इनोवेटिव स्कूल से, श्री अजयना सक्सेना SDM स्कूल से, श्री धीरज शर्मा जी स्वामी विवेकानंद से, श्री राजकुमार शर्मा जी राजन मेमोरियल से, श्री भारत त्रिवेदी जी भारतीय विद्यालय से, श्री आलोक चौधरी जी एमिनेंट पब्लिक स्कूल से, सारे और भी एस्टीम डायरेक्टर्स, हाँ जी कुलेन जैन साहब मौजूद हैं जय कॉन्वेंट से, नीरज और श्री नीरज प्रज्ञा स्कूल से मौजूद हैं यहाँ, और इसके अलावा कई डायरेक्टर्स जो हैं अभी उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन आगे भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हमने DM मैडम को, कलेक्टर मैडम को आश्वासन दिया है कि हम आगे भी समाज की मदद के लिए तत्पर रहेंगे और जो भी सहयोग बन सकेगा प्राइवेट स्कूल के लिए वो करने के लिए तैयार हैं। और सदैव स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी के द्वारा अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारियों द्वारा अपने स्तर से राशि इकट्ठा करके, और जो ऐसे लोग जिन लोगों को अभी तक खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध नहीं हुआ है, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस समय ये एसोसिएशन द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है, और उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरीके से